मारवाड़ जंक्शन के श्री गौर ब्राह्मण समाज छात्रावास की लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने 56 भोग लगाया। साथ ही मंदिर में महिलाओं द्वारा हरि कीर्तन भी किया गया। पंडित विनोद मिश्रा ने बताया कि नगर की महिला मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान लक्ष्मी नारायण को 56 भोग लगाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर 56 भोग सामने मंदिर भगवान श्री नारायण के रखा है और महिलाएं मंगल गीत और हरि कीर्तन आपको करती दिखाई दे रही हैं। यह आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं की मौजूदगी है और महिलाएं किस तरह से भगवान हरि लक्ष्मी नारायण को मंगल गीत गाकर हरि कीर्तन गाकर रिझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की अपार संख्या में महिलाएं की मौजूदगी है। महिलाएं देखिए आप हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भगवान के हरि कीर्तन में अपने आप को डुबा चुकी हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इनके चेहरे पे देखिए कि किस तरह से सारा दुख और सारा काम भूलकर हरि कीर्तन में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर का नज़ारा, ये लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये देखिए आप बालाजी की तस्वीरें हैं, प्रतिमा हैं, ये 56 भोग है और ये महिलाओं की मौजूदगी आप देखिए। ये देखिए इनके मुख पे कोई चिंता न फेर कर बस मस्ती का आलम हरी भजन में लीन आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं एक भगवान के भक्त में लीन हैं और नृत्य कर रही हैं। आप इनका चेहरा देखकर ही आप बता देख सकते हैं कि इन कितनी ही भगवान में लीन हैं और हरि कीर्तन में लीन हैं। आप देखिए हमारी स्क्रीन पर आप हम सीधे दिखा रहे हैं, ये नज़ारा है लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री ब्राह्मण गौड छात्रावास में स्थित है ये मंदिर और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा हरि कीर्तन किया गया, 56 भोग लगाया गया। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर किस तरह से महिलाएं झूम झूम के हरि कीर्तन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। भगवान के दरबार में थिरकना बड़ा ही सौभाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं जो भगवान के दरबार में नाच लिया वो भव सागर पार हो गया। बड़ी ही किस्मत वालों को ही भगवान के दरबार में यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आप देखिए आप शादी ब्याह में तो नाचते होंगे लेकिन कभी शायद ही आपने मंदिर में यानी भगवान के दरबार में शायद ही कभी आपको ऐसा मौका मिला होगा, ऐसा देखने को मौका मिला होगा, ऐसा मनोहर दृश्य। आप देखिए महिलाएं किस तरह से भगवान के दरबार में नृत्य कर रही हैं।